उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आपातकाल की घोषणा से पहले उभरी राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में, 1971 और इसे आगे के समय में देश की आर्थिक स्थिति को जानने में, ये जानने में कि किस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के खिलाफ एक एकीकृत विपक्ष की व्यवस्था की, उन घटनाओं के इतिहास के बारे में जानने में जो आपातकाल की घोषणा के कारण बने थे, ये जानने में कि सरकार ने गरीबी उन्मूलन की किस योजना की घोषणा की थी और वास्तविकता में क्या हुआ था, शाह आयोग और इसकी जांच के बारे में जानने में जिसमें आपातकाल के दौरान असामान्य नियंत्रण और पुलिस हिरासत में हुई मौतों के मामले सामने आए। आपातकाल की पृष्ठभूमि, आर्थिक एवं राजनयिक संदर्भ। आपातकाल और भारतीय लोकतंत्र। स्वभाव से आपातकाल से आशय उस स्थिति से है जब किसी देश में किसी बाहरी देश से खतरा या युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, या ये कुछ असामान्य स्थितियों को भी दर्शा सकता है। जब प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी अन्य कारण से सामान्य जनजीवन बिखर जाता है, लेकिन भारत में आपातकाल की घोषणा अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर की गई थी, जैसा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हवाला दिया कि इसका कारण भारी राजनीतिक असंतोष और कुछ राजनीतिक षड्यंत्र थे जो कि कथित रूप से देश के लोकतांत्रिक वातावरण को समाप्त करने के लिए आंतरिक रूप से रचे जा रहे थे। आर्थिक संकट 1972-73 के दौरान मानसून विफल रहा और इसके परिणाम स्वरूप भारत के कृषि क्षेत्र में अनाज की खेती में काफी गिरावट हुई, जो कि पिछले वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में इसके कृषिगत हिस्से की तुलना में 8% के लगभग थी। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश के चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में भारत के सकारात्मक रवैये के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के विरुद्ध कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और भारत को दी जाने वाली प्रत्येक आर्थिक सहायता बंद कर दी। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई। 1973 में ये वृद्धि 23% और 1974 में 30% से हुई। राजनयिक समस्या, बांग्लादेश में उथल पुथल। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराया गया, जिसमें भारत ने बांग्लादेश के आंदोलन का समर्थन किया और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध किया। भारत की सहायता से बांग्लादेश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। इस अवधि के दौरान लगभग 8 मिलियन लोग सीमा पार करके भारत आए। छात्र आंदोलन 1974 के दौरान संपूर्ण देश में, विशेष रूप से गुजरात राज्य में, सभी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों और आर्थिक गिरावट को रोकने में सरकार की विफलता का विरोध करने के उद्देश्य से बढ़ते असंतोष के खिलाफ गुजरात के छात्र समुदाय ने एकजुट आंदोलन आरंभ किया। खाद्यान्न, आवश्यक वस्तुओं, खाना पकाने के तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने देश में सामान्य और गरीब लोगों को बहुत प्रभावित किया। छात्रों और युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी ने भी उन्हें काफी हताश किया। मोरारजी देसाई कांग्रेस
ओ के नेता थे और केंद्र में कांग्रेस आई सरकार के शासन के हिंसक विरोधी थे। जब वे कांग्रेस में थे तो इंदिरा गांधी के खिलाफ जाने माने समाज सुधारक थे। उन्होंने राज्य में पुनर्चुनाव की मांग की और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद कानून और व्यवस्था की स्थिति निरंतर बिगड़ने के कारण राज्य में चुनाव की घोषणा करने के लिए केंद्र को सहमत होना पड़ा। जयप्रकाश नारायण और नक्सलवादी आंदोलन। जयप्रकाश नारायण, संक्षेप में वे जेपी के नाम से लोकप्रिय थे। इन्होंने बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने 1955 में सक्रिय राजनीति छोड़ दी थी। वे एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी थे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लड़े। भारत की आजादी प्राप्त करने के बाद श्री नारायण ने कश्मीर में शांति बहाल करने, नागा विद्रोहियों के साथ सुलह की बातचीत करने और चंबल के डकैतों को सरकार के समक्ष समर्पण करने के लिए राजी करने के जबरदस्त कार्य को सुनिश्चित करने के प्रयासों में और सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। नक्सलवादी आंदोलन 1969 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में एक किसान आंदोलन हुआ और इसका नेतृत्व मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, जो राजशासन को प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक व संसदीय प्रक्रियाओं की बजाय सशस्त्र संघर्ष में विश्वास रखती थी। राज्य सरकार यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उठाए गए कई नियंत्रण उपायों और निरोधक नजरबंदियों के बावजूद ये आंदोलन देश के कई राज्यों में फैला। रेल हड़ताल। भारत में आपातकाल घोषित करने से ठीक पहले सरकार ने गरीबी हटाओ यानी गरीबी उन्मूलन के अपने आदर्श की घोषणा की, लेकिन वास्तव में ये देखा गया कि सरकार बिना किसी कल्याण के व्यवस्थित नियोजन और मानदंडों के गरीब लोगों को उनके घरों से विस्थापित करने और उन्हें शहर से दूर स्थानांतरित करने में अधिक संबद्ध थी। 1971 में आर्थिक मंदी के दौरान सरकार अपने व्ययों को नियंत्रित करने में उत्सुक थी। नतीजतन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर नियंत्रण किया और उनकी वेतन वृद्धि को स्थिर किया। 1974 में रेल हड़ताल। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया जो 8 मई से 27 मई 1974 तक चली, जिसमें लगभग 1.7 मिलियन श्रमिकों ने भाग लिया। काम के 8 घंटे और सरकारी उपक्रम वाले रेलवे विभाग में लगे सभी मजदूरों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर इस हड़ताल का आह्वान किया गया था। इसने भारत के सबसे बड़े संचार नेटवर्क में काम करने वाले कई लोगों की दयनीय स्थिति को दिखाया। जॉर्ज फर्नांडीज ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और कई अन्य श्रमिक दलों और संगठनों ने इस हड़ताल में भाग लिया। इस हड़ताल ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सुचारू प्रणाली में एक रोक लगा दी, क्योंकि रेलगाड़ियां ही भारत में माल और अन्य सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर हैं। न्यायपालिका से संघर्ष और संविधान के लिए चुनौतियां। इस अवधि के दौरान
विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच कुछ गहरे मतभेद रहे। आंतरिक सुरक्षा बहाल करने के नाम पर सरकार अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कमी करना चाहती थी, जिसका सर्वोच्च न्यायालय ने जोरदार विरोध किया। इसके अतिरिक्त सरकार मौलिक अधिकारों की सूची में फेर बदल करना चाहती थी और उन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्थापित करना चाहती थी, जहां इन अधिकारों के उल्लंघन के मामले में किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा। लेकिन उन अधिकारों को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठापित किया गया था, जिसे भारतीय लोकतंत्र और भारतीय नागरिक के निजी अधिकारों की सुरक्षा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। आपातकाल की घोषणा, संकट और प्रतिक्रियाएं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय। 12 जून 1975 तक आते आते इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने राज नारायण की याचिका कि रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इंदिरा गांधी की जीत अवैधानिक थी, इसके संदर्भ में ऐतिहासिक निर्णय पारित किया। राज नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और वे हार गए थे। ये आरोप लगाया गया था कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था, जिसे स्वतंत्र चुनाव तंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता था। हालांकि इंदिरा गांधी ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती, तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती हैं। राजनैतिक आंदोलन और भारी प्रदर्शन। 1973-75 के दौरान राजनीतिक माहौल भी अच्छा नहीं था। जैसा कि हमने गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलनों के विद्रोह के बारे में पहले से ही चर्चा की है, जयप्रकाश नारायण ने 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल सभा का आह्वान किया। इसके साथ ही जयप्रकाश ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की और इसका आयोजन किया। उन्होंने देश की सेना और पुलिस बल से अपील की कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन ना करें और अपने विवेक से काम लें। सरकार का फैसला और आपातकाल की घोषणा। 25 जून 1975 की रात तक केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग किया और आपातकाल की घोषणा कर दी। इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया था कि संघ की सुरक्षा और संप्रभुता को किसी बाहरी या आंतरिक खतरों से जोखिम की आशंका होने पर सरकार जवाबदेह होने के नाते आपातकाल को लागू कर सकती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सिफारिश करने के बाद भारत संघ के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की तत्काल घोषणा जारी की और इस प्रकार सर्वोच्च प्राधिकरण के प्रभाव द्वारा आपातकाल को मंजूरी दे दी गई। आपातकाल की घोषणा, परिणाम। आपातकालीन प्रावधानों के तहत
विशेष अधिकार। पहले चरण में आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रथाओं में स्वीकार्य प्रत्येक हड़ताल और आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकालीन प्रावधानों के विशेष अधिकारों के तहत प्रेस और समाचार पत्रों की आजादी पर भारी रोक लगाई गई। समाचार पत्रों से कहा गया कि दैनिक आधार पर कोई भी राजनीतिक, सैन्य, सामाजिक और आर्थिक समाचार प्रकाशित करने से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य है। तत्कालीन स्थिति से संबद्ध विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मुद्दों को दर्शाने वाले संपादकीय प्रकाशनों पर मुख्य रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। निवारक नजरबंदी का उपयोग। सरकार ने सत्तारूढ़ दल के खिलाफ होने वाले अधिक से अधिक राजनेताओं को पकड़ने का प्रयत्न किया। आम जनता को गिरफ्तार किया गया और यहां तक कि आपातकालीन प्रावधानों के तहत सरकार ने उनमें से कई लोगों को केवल इस आशंका पर गिरफ्तार किया कि यदि उन्हें स्वतंत्र छोड़ा गया तो वे अपराध कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तार राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अन्य आम जनता को अपने मौलिक अधिकारों को बहाल करने के न्यायिक उपचार की मांग करने से भी वंचित रखा गया। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा प्रतिरोध और सरकार की प्रतिक्रिया। सार्वजनिक गिरफ्तारियों की पहली लहर में जो नेता और श्रमिक संघ के कार्यकर्ता गिरफ्तारियों से बच गए थे, उनमें से कई भूमिगत हो गए। इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे समाचार पत्रों ने समाचार सेंसरिंग गतिविधियों का विरोध किया और संपादकीय स्थान को खाली छोड़ना शुरू कर दिया, जिसे बाद में सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। इसी सिलसिले में संसद ने कुछ अधिनियमों को लाने का भी प्रयत्न किया जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ मेल नहीं खाते थे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की मांग की गई क्योंकि उनके निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। आपातकाल के संदर्भ में विवाद। क्या आपातकाल जरूरी था? 1975 से पहले कभी भी भारतीय लोकतंत्र में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। संविधान में अंदरूनी गड़बड़ी जैसे शब्द का उल्लेख किया गया था, लेकिन इसकी उचित प्रकृति और दायरे और अनुक्रम को उचित तरीके से वर्णित नहीं किया गया था। दूसरी तरफ आंदोलनों, विरोध और सामूहिक कार्रवाई का लगातार सहारा लिया जा रहा था, जिसके लिए सरकार ने यह सोचा कि यदि उचित समय पर उचित उपाय नहीं किए गए तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी। गरीबी हटाओ यानी गरीबी उन्मूलन और कीटाणु शोधन यानी नसबंदी व उनकी वास्तविकता। सरकार ने स्पष्ट रूप से अपने गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य की घोषणा की, लेकिन वास्तविकता इससे अलग थी। नई दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ दिया गया और उनके निवासियों को यमुना नदी के पास निर्जन इलाके में और जंगलों में जबरदस्ती बसाया गया। इसके अतिरिक्त दिल्ली में और दूसरे उत्तर भारतीय राज्यों में कीटाणु शोधन का एक अभियान चलाया गया जिसे नसबंदी कहा जाता था। इसके अंतर्गत कई पुरुषों को ऑपरेशन कराने के लिए जबरन मजबूर किया गया। शाह जांच आयोग और आगे की जांच।
मई 1977 में जनता पार्टी सरकार के शासन के तहत सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया गया। आयोग ने श्रीमती गांधी को भी आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा, लेकिन श्रीमती गांधी ने शिकायत की कि आयोग ने आपातकाल के दौरान सरकारी कार्यों के सकारात्मक पहलुओं को नहीं देखा। हालांकि ये पूर्वव्यापी विश्लेषण में देखा गया है कि गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलनों ने कभी भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया, जिससे कोई ये कह सके कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तत्कालीन गृह मंत्री ने कभी भी इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ? सरकार के गरीबों के हित के लिए कार्यक्रम और इसकी वास्तविकता। औपचारिक रूप से आपातकाल घोषित करने के तुरंत बाद सरकार ने इसके साथ साथ 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने की घोषणा की। सरकार ने ये निर्धारित किया कि वे इस दिशा में कुछ अग्रणी कार्य करेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेतिहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरों की समाप्ति आदि मसले शामिल थे। आपातकाल की घोषणा के बाद शुरुआती महीनों में मध्य वर्ग इस बात से बड़ा खुश हुआ था कि विरोध आंदोलन समाप्त हो गया और सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग में काम और अनुशासन के वातावरण को बहाल करने का प्रयास कर रही है। इस अवधि के दौरान पूरे देश में प्रभावित लोगों की संख्या, शाह जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 676 राजनेताओं और किसानों व श्रम संघों के नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी और लगभग 1,11,000 लोगों को निवारक नजरबंदी के कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया था। प्रेस के स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं। इनमें से कई पाबंदियां गैर कानूनी थीं। पुलिस हिरासत में मौत की घटनाएं और दूसरी गतिविधियां। केरल में 1 मार्च 1976 के दिन कालीकट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्र पी राजन को उसके दोस्त जोसेफ चाली के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गायब हो गए। राजन के पिता टीवी एचआर वॉरियर ने अपने बेटे की तलाश में बहुत भागदौड़ की। उन्होंने केरल के तत्कालीन गृहमंत्री से भी मदद की गुहार लगाई। क्योंकि आपातकाल की घोषणा हो चुकी थी, नागरिक अधिकार से जुड़े मसलों को अदालत में नहीं उठाया जा सकता था। एक साल से ज्यादा समय बीत चुका था। आपातकाल की समाप्ति के बाद उन्होंने केरल उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। गवाहों के बयान से ये बात स्पष्ट हुई कि कालीकट के टूरिस्ट बंगले में बिना किसी उचित कारण और आरोप के पुलिस ने 2 लड़कों की हत्या कर दी। अदालत ने फैसला सुनाया कि श्री करुणाकरन ने अदालत के सामने झूठ बोला था। आपातकाल के सबक। हमने देखा है कि निजी अधिकारों को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद कई दिनों तक स्वाधीन कार्य पद्धति को रोक पाना कितना मुश्किल हो गया था। भारतीय लोकतंत्र में सामान्य हालात फिर से लौट आए। दूसरा, अदालतों ने
जीवन और स्वतंत्रता के नागरिक अधिकारों की रक्षा में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दिया था, क्योंकि आपातकाल के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए थे जब लोगों के मौलिक अधिकारों को अस्वीकृत करके उनका बहिष्कार किया गया था। लेकिन ये भी देखा गया कि पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए और इस प्रकार शासक दल के नेताओं ने उन पर अधिक दबाव डालना शुरू कर दिया ताकि वे अपने स्वतंत्र होकर काम ना कर सकें। 1977 के लोकसभा चुनाव। जनवरी 1977 के दौरान सरकार ने आपातकाल को समाप्त करने और भारत में संसदीय चुनाव कराने का फैसला लिया। विपक्षी पार्टियां, जो मुख्यतः आपातकाल के दौरान भूमिगत हो गई थीं, उन्हें चुनाव के लिए तैयार होने का पर्याप्त समय नहीं मिला। फिर भी आपातकाल से पहले से ही मुख्य विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नजदीक आ रही थीं। इस प्रकार उन्होंने मार्च 1977 में आपातकाल के समाप्त होने के बाद अपने अभियान शुरू किए। इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों पर जोर दिया। जनता पार्टी की चुनाव में बहुमत से जीत। लोकसभा की कुल 542 सीटों में से जनता पार्टी और उसके साथी दलों को 330 सीटें मिलीं और कांग्रेस को केवल 154 सीटें मिलीं। उसे 35% से भी कम वोट मिले। उत्तर भारत में कांग्रेस लगभग गायब हो चुकी थी, जहां गरीबी हटाओ और सार्वजनिक कीटाणु शोधन ने अपना गहरा प्रभाव छोड़ा। लेकिन दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और उड़ीसा में कांग्रेस अब भी अपने वोट बैंक को आंशिक रूप से बनाए रखने में सक्षम थी। इंदिरा गांधी की वापसी, जनता सरकार का पतन। जनता पार्टी का शपथ ग्रहण। भारी जीत हासिल करने के बाद जनता पार्टी सत्ता में आ गई। प्रधानमंत्री के पद के लिए 3 दावेदारों के नाम प्रस्तुत किए गए। पहले कांग्रेस ओ के नेता मोरारजी देसाई थे, जो कांग्रेस में रहने के दौरान इंदिरा गांधी के कट्टर विरोधी के रूप में जाने जाते थे। दूसरा नाम चौधरी चरण सिंह का था, जो भारतीय लोक दल के अध्यक्ष थे, और तीसरा नाम जगजीवन राम का था, जिन्होंने इंदिरा गांधी की तानाशाही का विरोध करते हुए आपातकाल की घोषणा के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। पार्टी के भीतर झगड़े और जनता शासन का पतन। लेकिन मोरारजी की सरकार 18 महीने से ज्यादा तक नहीं रह पाई, क्योंकि गठबंधन में कई अन्य पार्टियां भी थीं और जनता पार्टी के भीतर नेताओं की राय अलग अलग थी। इस स्थिति में चौधरी चरण सिंह अगले प्रधानमंत्री बने, जहां उन्हें कांग्रेस से बाहरी समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन कांग्रेस ने 4 महीने के भीतर अपना समर्थन वापस ले लिया। देश में नया चुनाव होना अनिवार्य हो गया। पूरे देश में राजनीतिक और प्रशासनिक अशांति फैल गई। कांग्रेस की सत्ता में वापसी। 1980 में हुए चुनावों के दौरान 353 सीटों के साथ कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। लेकिन इस चरण में कांग्रेस के निर्माण में कुछ अंतर देखा जा सकता था। पार्टी ने अब दल में विविध विचारात्मक गतिमती के नेताओं को साथ लेकर चलने से इनकार कर दिया। गरीब समर्थक, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समर्थक का आदर्शवाद
कांग्रेस सरकार के आगे बढ़ने का संकेत बना। दूसरा, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारतीय राजनीति ने केंद्र में कई पार्टियों के गठबंधन और उनकी राय में मतभेदों का अनुभव किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मामूली मुद्दों को लेकर भी सरकार टिक ना सकी। भारतीय राजनीति में यह स्थिति बाद के दिनों में भी बनी रही। सारांश, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आंतरिक अशांति के खतरे की आशंका के कारण आपातकाल लागू किया गया था। बांग्लादेश संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला था। 1975 में श्री जयप्रकाश नारायण ने लोगों के एक संसदीय मार्च का नेतृत्व किया। राजधानी में आयोजित होने वाली ये सबसे बड़ी राजनीतिक रैली थी। इंदिरा गांधी को राज नारायण के विरुद्ध मामले में पराजय मिली, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया कि वो अब सांसद नहीं होंगी और इसके बाद से प्रधानमंत्री के रूप में अब उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण और दूसरे नेताओं ने नई दिल्ली में रामलीला मैदान में भारी रैली का आयोजन किया। सरकार ने प्रतिक्रिया में आपातकाल की घोषणा की। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को उत्तरी भारत में भारी मतों से पराजय मिली।